उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल के बीच अचानक जाटों की चर्चाएं तेज हो गई है। सूबे में भले ही इनकी आबादी 4 से 6% के बीच हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का काफी असर है। इस क्षेत्र में कुल वोटों का करीब 17% है। पिछले कुछ चुनावों में ये समुदाय भाजपा को भर भर के वोट करता आया है। फिर चाहे वो साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हो या साल 2017 के विधानसभा चुनाव, इन्होंने भाजपा को एक तरफा वोट किया। हालांकि किसान आंदोलन के चलते इस बार जाटों में गुस्सा है। भाजपा किसी भी सूरत में इस नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही कारण है कि वो डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। इसकी कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। जाट नेताओं से मिलकर भाजपा मान मनोबल में जुटी हुई है। दरअसल यूपी के चुनाव की शुरुआत इस बार पश्चिमी यूपी से होनी है। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस तरह पहले दो चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर इलाकों में मतदान हो जाएगा। पिछले कुछ चुनावों में भाजपा ने इस इलाके में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि वो स्थिति अब नहीं है। इसका कारण किसान आंदोलन है। आंदोलन के चलते इलाके में किसान और जाट समुदाय में भाजपा को लेकर भारी नाराजगी है। इससे भाजपा भी भली भांति परिचित है। यही कारण है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले भाजपा ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। वहीं जाट पॉलिटिक्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने जाट समुदाय को पॉलिटिकल पावर बनाने का काम किया। इस वोट बैंक के चलते ही वो सत्ता में एक एक करके पायदान आगे बढ़ते गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, उप प्रधानमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये समुदाय करीब 17% है। लोकसभा की एक दर्जन और विधानसभा की 120 सीटों पर जाट वोट बैंक असर डालता है। जाटलैंड में ये सत्ता का रुख तय करता है। आज चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने जाट पॉलिटिक्स की कमान संभाली हुई है। किसान आंदोलन से आरएलडी के सियासी संजीवनी मिली है। जयंत चौधरी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान और मजदूर वर्ग में, खास तौर से जाटों में फिर से प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में भाजपा इस बात को लेकर चिंतित है कि जाट पश्चिम में आरएलडी को समर्थन करता है तो भाजपा को पुराना प्रदर्शन दोहराने में काफी परेशानी होगी। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि जाट पारंपरिक तौर पर बीजेपी का वोटर नहीं रहा है। ये सूरत साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बदली। इसके बाद हर चुनाव में जाटों ने भाजपा को वोट दिया। कह सकते हैं कि ये वोट बैंक धीरे धीरे भाजपा के पास चला गया। बीजेपी जानती है कि इस वोट बैंक को बनाने में उसे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। बीजेपी उनके हितैषी होने का दम भर रही है। हालांकि जयंत चौधरी के अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाने से उसे इस वोट बैंक में सेंध लगती दिखाई दे रही है, जिससे फायदा एसपी और आरएलडी गठबंधन को मिलता दिख रहा है। लिहाजा जाट किसके साथ जाएंगे यह आगामी वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।